पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ गॉड खमरिया जबलपुर के यूथ विंग की ओर से और पूरी कलीसिया की ओर से मैं राजेश्वर राव इस ऑनलाइन कार्यक्रम जो कि बर्निंग लैम्प्स यूथ डे के रूप में FPCGI के पेंटिकॉस्टल यूथ फेलोशिप द्वारा आयोजित हुआ है उसमें आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ इसी तरह ऑनलाइन बने रहिए, निश्चित रूप से परमेश्वर आपसे बात करेगा और आने वाले 30 मिनट में और परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपको एक जयवंत मसीह जीवन जीने के लिए प्रेरणा और हियाव देगा। आइए हम एक छोटे से गीत के द्वारा इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। संदेश लुका रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय उसके 19वें आयत में पाया जाता है जहां पर स्वयं यीशु मसीह ने कहा है कि अपने धीरज से जीवन को जीत लो, विन लाइफ बाय योर पेशेंस। ये स्वयं यीशु मसीह के वचन है और आज का संदेश भी आपके लिए, यदि मैं एक लाइन में कहूं तो यीशु मसीह का जो संदेश है वो आपके लिए यही है कि अपने धीरज से जीवन को जीत लें। जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, जब हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, जब नाना प्रकार की समस्याओं में हम गिरते हैं, तो उस समय भी परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह में आश्वासन हमारे लिए यही है कि अपने धीरज से जीवन को जीत लें। आज अगर हम इंटरनेट में न्यूज़, अखबार और अन्य तरह के सोशल मीडिया में सब जगह देखें तो केवल दो ही बातों की चर्चा है, सबसे पहला कोरोना वायरस और दूसरा कि लोगों का सुसाइड करना, आत्महत्या करना।
हम इन दोनों समस्याओं के विषय में एक बाइबल के या परमेश्वर के लोगों के या फिर मसीही परिपेक्ष को देखेंगे कि इन दोनों समस्याओं के लिए बाइबल किस तरह से उत्तर देती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पूरा विश्व जो है WHO के रिकॉर्ड के हिसाब से हम देखते हैं कि पूरा विश्व में ये COVID-19 कोरोना वायरस फैला हुआ है और उसमें कई लोग हर दिन हजारों की तादाद में अपने जीवन से हाथ धो बैठ रहे हैं। लोग बिना जाने ही कि उन्हें क्या हो रहा है, कुछ लोगों को तो ये भी पता नहीं कि उनकी मृत्यु किस रीति से हो रही है। यह ऐसी गंभीर समस्या, ऐसा रोग है जिससे आज सारी दुनिया परेशान है। और हम देखते हैं कि एक आंकड़ा ये भी कहता है कि एक मिनट में लगभग 3 लोग अपने जान से हाथ धो बैठते हैं इस बीमारी के कारण। लेकिन इससे भी बड़ी और एक गंभीर समस्या हमारे जो संसार में, इस जगत में पाई जाती है, वो है सुसाइड, लोगों का आत्महत्या करना। ये भी दूसरी एक सबसे बड़ी जो एक सभी को परेशान करने वाली खबर है कि लोगों के पास जब कुछ नहीं है, उनकी सारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, तब यदि कोई अगर आत्महत्या करता है, यदि तब कोई अपने जीवन से निराश होता है, तो उसके लिए कोई कारण है, कोई सोच है, हम समझ सकते हैं। लेकिन ऐसा अधिकांश पाया जाता है कि वो लोग जिनके पास सब कुछ है, ना उनके पास कुछ खाने की कमी, घूमने फिरने, सारी संसार की जो दौलत है और अन्य तरह की जो उनको सहूलियत चाहिए, वो सब होने के बावजूद भी वो आत्महत्या करते हैं, निराशा में जाते हैं। तो उसका क्या कारण है? हम देखते हैं कि ये बहुत ही एक चौंकाने वाली बात है कि क्यों लोग, जब उनके पास इतनी सारी सारी चीज़ें होने के बाद भी, संपत्ति होने के बाद भी और सब कुछ सही से चलता है, उसके बाद भी लोग अपने जीवन को यूं ही नाश कर देते हैं। मैं इसके लिए आपके पास दो पहलू को आपके सामने रखना चाहूँगा। उससे पहले मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूँ और वो इस प्रकार है। जैसा कि स्क्रीन में आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोगों के, कुछ फिल्मी कलाकारों के यहाँ पे चित्र हैं और उन चित्रों में हम देखते हैं कि उनके चेहरे में कितनी खुशी है, उनके चेहरे में कितनी रौनक है। लेकिन ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने अपने युवा अवस्था में और कुछ लोगों ने और अधिक अवस्था में जाकर अपने जीवन को उन्होंने सत्यानाश कर दिया, उन्होंने अपने प्राण खुद ही ले लिए और आत्महत्या करके इस संसार से वो विदा हो गए। इन लोगों के पास शोहरत और वो सारी चीज़ें थी जो इस संसार में हम लोगों को हम देखते हैं कि जिसके पीछे वो भागते हैं। लेकिन वो सब कुछ पाने के बावजूद भी, उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी इन्हें आत्महत्या करना पड़ा। और WHO के 2019 के आर्टिकल के हिसाब से लगभग हर 40 सेकंड में, एक मिनट भी नहीं, हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है। यहाँ पर हमें सोचना है, यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि एक मसीही होने के नाते परमेश्वर का वचन, जो शुभ संदेश है, यीशु मसीह ने हमारे लिए जान इसलिए दी कि हमारे जीवन में एक आशा हो। उस आशा को परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा इस संसार में भेजा और उसके बावजूद भी वो आशा हमारे मसीहियों के द्वारा इन लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। वो हजारों लोग, ये तो बड़े बड़े चेहरे हैं जो हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, बड़े बड़े न्यूज़ में देखते हैं, इसलिए हमें पता है। लेकिन हर दिन कई हजारों लोग अपने जीवन को नाश कर देते हैं, आत्महत्या कर देते हैं। उसका कारण एक ही है कि उनके जीवन में आशा नहीं है, उनके जीवन में होप नहीं है। और बिल्कुल उस होपलेस सिचुएशन में, आशा रहित उस स्थिति में वो अपने जीवन को नाश कर देते हैं। यहाँ पर हम मसीहों का जो दायित्व है वो ये है कि उस आशा को, जो प्रभु यीशु मसीह में है, हम इन लोगों तक पहुँचाएँ। यीशु मसीह का शुभ संदेश, जो परमेश्वर का वचन जो हम देखते हैं, वो यही है कि वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति जो इस संसार में है वो नाश ना हो, लेकिन अनंत जीवन पाए। जो कोई, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, आप इसे चाहे
अपने सफर में सुन रहे हों या फिर आप किसी सोशल मीडिया वेबसाइट पे देख रहे हों, आप जहाँ भी देख रहे हैं या आप किसी समुदाय से जुड़े हैं, यह आज का वचन, आज का संदेश आपके लिए है कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है और आपकी हर उस आशा विहीन स्थिति में वो आपको आशा देने के लिए तैयार है। वो आपसे प्यार करता है और आपको उस परिस्थिति से उठाकर वापस उस मुकाम पर लेके जाना चाहता है जहाँ पर वो चाहता है कि आप रहें। आइए हम और अधिक बातों को देखते हैं। आज इन सब बातों को देखते हुए, चाहे कोरोना वायरस हो या फिर लोगों का आत्महत्या, सुसाइड के द्वारा अपने जीवन को नाश करना हो, इन दोनों में हम एक बात देखते हैं, वो जो कॉमन है, जो सामान्य है, वो ये है कि इन दोनों के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं है। यह एक बुरी खबर है कि इन दोनों समस्याओं के लिए कोई भी वैक्सीन, कोई भी दवा नहीं है। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, वो ये है कि इन दोनों समस्याओं के लिए एक होप है। देयर इज होप फॉर बोथ। इन दोनों समस्याओं के लिए एक आशा है जो मसीह के द्वारा हमें दिया जाता है। इसमें हम ये बात को पाते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई अपनी आशा को उस पर रखेगा, जो कोई धीरज से परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए निर्णय लेगा, वो कभी भी डगमगाएगा नहीं। वो उस आशा को जो परमेश्वर पिता के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में हमें मिलता है, उसे पाएगा और अनंत जीवन का वारिस होगा। हमने इन दोनों तरह के लोगों में एक सामान्य बात देखी कि वो ये था कि वन कॉमन रीजन फॉर ऑल हु गेव अप वाज लैक ऑफ पेशेंस। जी हाँ, इन सभी लोगों ने जिन्होंने अपने जीवन को नष्ट किया, आत्महत्या की या अपने जीवनों को गंवाया, उनके जीवन में एक ही बात की कमी थी, वो था धीरज की कमी। कोई पैसों की कमी नहीं, कोई शौक या किसी तरह की उनको धन संपत्ति की कमी नहीं थी, केवल एक ही बात की कमी थी, दोस्तों की कमी नहीं थी उनको, या अन्य किसी बातों की कमी नहीं थी, केवल एक ही कमी, वो कमी थी आशा के साथ धीरज की कमी। तो धीरज की कमी के कारण इन लोगों ने अपने आशा को छोड़ दिया और अपने प्राणों को त्याग दिया। हम इस बात को, इस पूरी बात को दो हिंदी की लाइनों में कह सकते हैं कि पाप से हारता वह है जो धीरज खोता है और पाप से जीतता वह है जो धीरज को थामता है। मैं एक बार फिर आपके लिए रिपीट करता हूँ, पाप से हारता वह है जो धीरज खोता है और पाप से जीतता वह है जो धीरज को थामता है। आइए हम कुछ लोगों के जीवन को देखें। अभी पिछले चित्र में हमने देखा कि कई बड़े बड़े सेलिब्रिटी, स्पोर्ट्स और कई बड़े बड़े बिजनेसमैन ने अपने जीवन को आत्महत्या करके नाश कर दिया। लेकिन हम प्रभु के कुछ बड़े बड़े दासों को देखते हैं, प्रभु के लोगों को भी देख सकते हैं, उनके जीवन को, जिनके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी आंधी तूफान जैसी समस्याएं, और लेकिन उसके बावजूद भी उनमें से किसी ने भी अपनी आशा को छोड़ा नहीं, उनमें से किसी ने भी अपने विश्वास को छोड़ा नहीं। ऐसे ही चार व्यक्तियों के नाम मैं आपके सामने लेना चाहता हूँ। आप यहाँ जो कि स्क्रीन में शायद देख पा रहे हैं, जो चार लोग हैं, विलियम केली, हडसन टेलर, रेवरेंड बिली ग्राहम एंड रेनहार्ड बॉन्की, ये चारों नाम आपको बहुत ही सुपरिचित हैं। शुरू के दो ऐसे जो नाम मैंने लिया, इन्हें हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन इनके इतिहास को हमने पढ़ा है कि किस तरह की समस्याओं से ये होकर गुजरे हैं। विलियम केली कई सालों के मेहनत करके कई बाइबल के अनुवादों को बनाया और एक शाम को वो सब कुछ जल जाता है। उसके बाद भी हमारे जैसा व्यक्ति हो तो तुरंत कोई आत्महत्या करने के बारे में सोच सकता है, क्योंकि उसकी जीवन की सारी पूंजी जो उसने उस अनुवाद के काम में लगा दिया, वो सब कुछ एक ही शाम में सब कुछ जल गया। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी आशा को नहीं छोड़ा। फिर उन्होंने बिल्कुल जीरो से शुरू किया, बिल्कुल जीरो से शुरू करके फिर कुछ ही वर्षों में फिर से उन्होंने सारी अन्य अन्य भाषाओं में बाइबल का अनुवाद करके दिया। हडसन टेलर चाइना में जो परमेश्वर के वचन को लेकर गए, उन्होंने कई समस्याओं का उन्होंने सामना किया। बहुत सारे उनके सामने समस्याएं थी, उनकी सेहत अच्छी नहीं रहती थी, बहुत सा विरोध उनके जीवन में होता था, उसके बावजूद भी उन्होंने आशा नहीं छोड़ी और आज यदि चाइना में परमेश्वर का वचन है तो उसके पीछे इनका समर्पण है। जो आगे के दो लोग हैं, ये वो लोग हैं,
रेवरेंड बिली ग्राहम और रेवरेंड रेनहार्ड बोंकी, इनको हमने अपनी आंखों से देखा है, हमने सुना है और ये हमारी ही शताब्दी के लोग हैं। हम इन्हें जानते हैं कि किस तरह की समस्याओं से ये होकर गुजरे थे। सेवकाई के दिनों में कई तरह की समस्याएं इनके जीवन में आई, उसके बावजूद भी इन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और अंत तक विश्वास को इन्होंने थामे रहा। उसका कारण ये है कि इनके जीवन में कुछ तो था जो इन्हें कभी हारने नहीं दिया। जबकि इनके पास कुछ नहीं होते हुए भी ये जीत गए, और संसारिक लोग जिनके पास सब कुछ होते हुए भी अपने प्राणों को वो हार गए। हम इस बात को इस तरह से कह सकते हैं कि नेवर गिव अप इवन व्हेन सिचुएशंस आर वर्स्ट, चाहे परिस्थिति कितनी भी विषम हो, कभी हिम्मत ना हारें। यदि हम पुराने नियम के उस लाल समुद्र को स्मरण करें या फिर नए नियम की उस आंधी को स्मरण करें, यदि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है तो चाहे वो किसी भी तरह की आंधी हो या लाल समुद्र जैसी समस्याएं हो, परमेश्वर वहां पे अपना मार्ग निकालेगा। उस बड़ी आंधी को भी, चाहे आप डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, स्पीकर हो, आप उनके दास हो या फिर अन्य कोई भी कार्य आप इस जीवन में, इस दुनिया में करते हो, परमेश्वर का वचन आपके लिए यही है, यदि आपके साथ प्रभु यीशु मसीह है तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता, आपके साथ कोई टिक नहीं सकता। दूसरी बात, विन लाइफ बाय पेशेंस इवन व्हेन सिचुएशंस आर वर्स्ट, चाहे परिस्थिति कितनी भी विषम हो, हमें अपने जीवन को, अपने प्राणों को जीतना है। मसीही शिक्षाओं का निचोड़ यही है कि हमें अपने जीवन को थामना है और उस जीवन को अंत तक संभाल के रखना है कि हम जब परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो तो हमें शर्मिंदा होना ना पड़े। जिस धन्य आशा में हम आज जीते हैं, उस धन्य आशा में हम अंत तक बने रहें। और मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि हम जो इन लोगों को, और ये तो केवल चार ही चित्र हैं, ऐसे हजारों प्रभु के दास दासी लोग हैं जो दिन और रात परमेश्वर की सेवा में लगे हैं, उनके संदेश जो खरे संदेश उपदेश होते हैं वो इस काबिल होते हैं कि वो लोगों के जीवन को बदल देते हैं। यदि वो संदेश, ऐसा संदेश जो लोगों के जीवन को ना बदले, उस संदेश को सुनना व्यर्थ है। यदि परमेश्वर का वचन जब हम देते हैं, लोगों का जीवन उससे सुधरता है, तो हम जानते हैं कि वो परमेश्वर के वचन का कार्य है। कई बार परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करने के लिए कुछ समय लेता है, वो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त समय है। दूसरा पत्रस तीसरे अध्याय उसकी 9वीं आयत में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रभु कभी देर नहीं करता। आइए इस बात को हम एक छोटी सी गवाही के द्वारा देखें और समझें कि परमेश्वर कभी भी देर नहीं करता। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम बॉबी है और मैं इसी चर्च का, पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ गॉड खमरिया का मेंबर हूं, और हम बचपन से ही इस चर्च में आ रहे हैं, पास्टर अंकल के वचनों को सुन रहे हैं। बट वो वचन मेरे जीवन में जब मैं 18-19 साल का था तब काम किया। हम बचपन से परमेश्वर के वचन को सुनते तो थे, पर जब हमें समझ आई, जब मुझे पता चला कि मैं बहुत ज़्यादा पाप में हूँ, गलत संगतियों में हूँ, तब एक दिन जब मैं बैठा था, मुझे पास्टर अंकल के कुछ वचन याद आए, तब मैंने उनके पर सोचा, विचार किया, तब परमेश्वर ने मुझसे बात किया, मुझे उन पापों से छुड़ाया, मुझे गलत संगतियों से छुड़ाया और मुझे आज अपनी सेवा के लिए खड़ा किया है। आप सबसे ये विनती करता हूँ कि मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए कि मैं परमेश्वर के वचन को, उसके महान आदेश को, जो कि जगत के कोने कोने तक जाके वचन सुनाना है, हर एक जाति जाति को वचन सुनाना है, उसे पूरा करता रहूँ और परमेश्वर के अनुग्रह में उसे और अच्छे से करता रहूँ। हम सब ने इस सुंदर गवाही को सुना है, और उस गवाही में हमने ये देखा कि परमेश्वर ने इस भाई के जीवन को बदला लिया। हम दूसरा पत्रस तीसरे अध्याय के 19वें आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में देर नहीं लगाता जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं, बल्कि वह हमारे प्रति धीरज रखता है, क्योंकि वह किसी भी व्यक्ति को नष्ट नहीं होने देना चाहता, बल्कि वह तो चाहता है कि सब मन फिराव की ओर बढ़ें। परमेश्वर का धन्यवाद हो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे प्रभु के दास दासी सेवकों के लिए जो परमेश्वर के वचन को खराई से प्रचार करते हैं और इस तरह से बताते हैं कि लोग मन फिराएं, लोग अपने जीवन को प्रभु के लिए, प्रभु की सेवा के लिए समर्पित करें।
अब जैसा हमने देखा कि धीरज की कमी के कारण ही लोग इन सारी समस्याओं में पड़कर अपने जीवन से हार जाते हैं, तो मैं आपको दो बातें बताना चाहूँगा। वो दो पक्ष ये हैं कि किस तरह से हम धीरज के द्वारा अपने जीवन को जीत लें। तीन दोस्त हैं धीरज के और तीन दुश्मन हैं धीरज के। आइए हम उन्हें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला दोस्त जो धीरज का है, थ्री फ्रेंड्स ऑफ पेशेंस, फर्स्ट वन, राइट वेपन, सही हथियार। हम जब धीरज को थामना चाहते हैं तो हमारे लिए हमारा जो सही हथियार है हमारा मित्र बन जाता है। हम दाऊद और गोलियात की युद्ध के विषय में जानते हैं कि वहाँ पर परमेश्वर की अगुवाई में उसने पत्थरों को उठाया, ना कि तलवार को। यदि वो तलवार उठाता तो शायद वो हार जाता, लेकिन उसने परमेश्वर की अगुवाई में जो उसकी काबिलियत थी उसने उसे उठाया। इसका मतलब स्टोन्स नॉट सॉल्ड, हमें सही हथियार को उठाना है परमेश्वर की अगुवाई में। दूसरा, राइट कॉल, सही बुलाहट। हमें इस बात को जानना है जब हम मसीह जीवन में हैं या फिर अन्य सांसारिक बातों में, अगर हमें किसी तरह की हमारी ड्यूटी है, चाहे वो डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी हमारा पेशा हो सकता है, हम उस पेशे में या हम मसीही सेवकाई में जब बढ़ते हैं तो हमें अपनी सही बुलाहट को, हमारे सही रोल को जो हमें अदा करना है वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। पत्रस के विषय में हम देखते हैं कि वो मछली पकड़ता था, लेकिन यीशु मसीह ने उसको उसकी सच्ची बुलाहट बताया कि मछली पकड़ना उसका काम नहीं है, मनुष्यों को पकड़ना है। सो हमें अपनी सच्ची बुलाहट को जानना बहुत ज़रूरी है। ये दो बातें हमें हमारे धीरज को थामने में एक दोस्त की तरह मदद करती हैं। और तीसरी बात, राइट स्ट्रैटेजी, सही रणनीति। हमें सही रणनीति अपनाना चाहिए, क्योंकि धीरज को थामना है तो हमें सही रणनीति चाहिए। हम अब्राहम के विषय में देखते हैं कि वो वहाँ पर धर्मी व्यक्तियों को गिनता है, ना कि अधर्मी लोगों को, कि यदि 50 हैं, यदि 10 हैं, यदि 5 हैं, इस तरह से वो धर्मियों को गिन रहे हैं। हमारा परमेश्वर धर्मी है, हमारा ध्यान उन अच्छी बातों में रहे। दुनिया में अच्छाई भी है, बुराइयां भी हैं, लेकिन हमारा जो दृष्टिकोण है वो एक आत्मिक दृष्टिकोण, एक मसीही दृष्टिकोण होना चाहिए कि हम उन बातों की ओर, उन धर्मी धार्मिक बातों की ओर ध्यान लगाएं, ताकि हम सही रणनीति के द्वारा इन समस्याओं का सामना कर सकें और धीरज को थामे रहें। अब मैं आपको तीन ऐसी बातें भी बताऊंगा जो हमारे धीरज की दुश्मन है। इन तीन बातों को हमें हमेशा बचना है, जो कि हमें याकूब की पत्री 3 अध्याय की 13-18 में मिल जाता है। वो उसमें हमारा सबसे पहला दुश्मन वो है वर्ल्डली डिज़ायर्स, संसारिक इच्छाएं। हमें संसारिक इच्छाएं वो समझना है जो केवल इस जगत के लिए है, केवल इस जीवन के लिए है। हम मसीह होने के नाते दो तरह से सोचते हैं, वो भलाई जो हम इस पृथ्वी पर पाते हैं जीते जी, और वो भलाई जो हम मरने के बाद, जब हम बादलों पे, हम जब मसीह के साथ मिल जाएंगे वहाँ पे भी हम भलाई को देखें। तो ये इच्छा, ये आशा हमारे जीवन में होना जरूरी है। लेकिन जो संसारिक व्यक्ति है वो केवल उतना ही सोचता है कि उसे केवल जब तक जिंदगी है उसमें जीना है और ख़त्म हो जाना है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में आज हमारे पास आशा है, वो आशा यह है कि जीते जी भी और मरने के बाद भी वह हमारे साथ है। वो धन्य आशा हमें अपने थामे रहना है। दूसरी बात, फ्लैशली डिज़ायर्स, शारीरिक इच्छाएं। ये वो हैं जो कि हम एक शब्द में कह सकते हैं कि अनस्पिरिचुअल, ऐसी बातें जो आत्मिक नहीं हैं, और संसार शारीरिक की कार्यों की ओर, शारीरिक क्रियाओं की ओर हमारा ध्यान लेकर जाती हैं, ताकि हम आत्मिक बातों से दूर हट जाएं। जैसे 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 हम आत्मिक बातों से दूर हट जाते हैं तो जो आशा, जो धीरज, जो आनंद की भरपूरी उसकी उपस्थिति में है, हम उससे दूर होकर निराशा की ओर बढ़ते जाते हैं, और वो निराशा इतनी बढ़ जाती है कि हम अपने जीवन को समाप्त करना चाहते हैं।
लेकिन हम उन बातों को पहले से ही समझ जाएं, क्योंकि बाइबल हमें इन बातों से चेतावनी देती है। और जो अंतिम हमारा दुश्मन है, धीरज का दुश्मन है, वो है डेमोनिक डिजायर्स, शैतानिक इच्छाएं। और ये शैतानिक इच्छाओं को भी हम एक ही शब्द में समझ सकते हैं, वो है कन्फ्यूजन। शैतान का सबसे बड़ा औजार यही है कि वो लोगों को भ्रम में लेके आ जाता है। क्या यह सही है? क्या ये गलत है? क्या ऐसा करना उचित है? क्या वास्तव में ऐसा ही है? इस तरह की शंकाएं शैतान हमारे मनों में लेके आता है, और उससे बचने के लिए हमारे पास जो औजार है वो है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का पवित्र आत्मा। इन बातों को हमें अपने जीवन में थामना है कि हम परमेश्वर की उस धन्य आशा में बने रहें और इस जीवन को धीरज से जीत लें। हम तीन संदर्भों को देखते हैं जहां पर मनुष्यों ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और नुकसान उठाया, जिसमें हम तीन शिक्षाओं को ले सकते हैं धीरज के विषय। सबसे पहला, जैसा कि चित्र आप देख सकते हैं, अब्राहम का, जहां पर सारा ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करी। उसने यह कोशिश करी कि वो परमेश्वर की किसी तरह से मदद करे। ये परमेश्वर का वचन था, वायदा था कि मैं तुझे संतान दूंगा और तुझे अनगिनत बढ़ा दूंगा, लेकिन उसने विश्वास उसका डगमगाया, उसकी आशा डगमगाई और वो खुद परमेश्वर की मदद करने की कोशिश करी। वी शुड नेवर हेल्प और ट्राई टू हेल्प गॉड। हमें कभी भी परमेश्वर की मदद करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। दूसरा जो चित्र हम देखते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि नूह का जहाज है। यह परमेश्वर का वचन था, यह परमेश्वर की आज्ञा थी नूह के लिए कि एक जहाज को बनाएं। हमें परमेश्वर का जो हमें वायदा मिलता है, जो वचन मिलता है, हमें उसमें बने रहना है, क्योंकि जो परमेश्वर यह वायदा करता है कि पानी का जहाज बनाओ, वही उसके लिए लकड़ी भी देगा, वही परमेश्वर वो सारी सामग्री भी देगा जो उस नाव को बनाने के लिए ज़रूरत है। यदि परमेश्वर का आदेश है कि उसमें सारे जानवर जीव जंतुओं को रखा जाए, तो उस नाव को बनने के बाद परमेश्वर स्वयं उन सारे पशु पक्षियों को उस नाव के अंदर लेकर आएगा। इसका मतलब यदि परमेश्वर ने कहा है तो वो स्वयं पूरा करेगा। इस बात से हम निश्चित हो जाएं और परमेश्वर के इन वचनों को, इन वायदों को अपने जीवन के लिए थामे रहें, ताकि हमारे जीवन में ना, हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में, हमारे समाज में निराशा ओसो दूर रहने पाए। तीसरी जो हम चित्र हम यहाँ पर देखते हैं कि एलिया के विषय में, वहाँ पर लोग पत्थर उस वेदी पे पानी डाल रहे हैं। हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है गीली लकड़ियों को जलाना बहुत अच्छे से जानता है। परिस्थिति चाहे कितनी भी विषम हो, लकड़ियों को वहाँ पे वेदी को पूरा पानी से भिगो दिया गया, लेकिन उस निराशा की जगह भी आशा थी। परमेश्वर के साथ आशा है। चाहे आज आप किसी भी परिस्थिति से, समस्या से गुजर रहे हों, आपके लिए परमेश्वर का वचन यही है कि परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में आपके लिए आशा है। आपको सिर्फ करना इतना है कि एक बार प्रभु यीशु मसीह का आप नाम लें, अपने जीवन में उसे पुकारें और कहें कि प्रभु, मैं आपको अपने जीवन में स्वागत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन का नियंत्रण आप लें, और आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में कितने बड़े अद्भुत कार्य करेगा। इस संदेश को मैं यहाँ पर आपके लिए कंक्लूड करता हूँ कि गॉड नोज हाउ टू बेटर सॉल्व योर प्रॉब्लम्स देन यू। परमेश्वर आपसे बेहतर जानता है कि आपकी समस्याओं को कैसे हल करना है। यदि कोई विवाह की समस्या है तो यूसुफ को और मरियम को स्मरण रखें, किस तरह परमेश्वर ने उनके विवाह को संभाला और उनको एक अच्छा जीवन प्रदान किया। यदि हम हार का सामना कर रहे हैं तो हम शाऊल को और दाऊद को स्मरण रखें, किस तरह से परमेश्वर ने बड़े बड़े युद्ध में उनकी मदद की और परमेश्वर ने उन्हें विजय देता चला गया।
यदि हम अपने जीवन में सतावट को देखते हैं तो पौलुस और सिलास को स्मरण रखें, किस तरह सतावट के समय में भी परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उनके लिए उपाय किया। यदि आर्थिक समस्याओं से, आर्थिक बोझ से यदि हम दबे हैं तो उस ताकत के एलिया एलिशा के समय की जो विधवाएं थी उनको स्मरण करके किस तरह से परमेश्वर ने उनके लिए प्रबंध किया था। यदि हम नेतृत्व से जुड़ी हुई समस्याओं से अगर ग्रसित हैं तो यहोशू और दबोरा को स्मरण करें, किस तरह उन्होंने परमेश्वर की अगुवाई में प्रजा को चलाया, युद्ध को जीता और परमेश्वर की महिमा की। यदि आप अपने आप को खोया हुआ समझते हैं तो उस पुत्र को स्मरण करें जिसने अपने पिता की सारी संपत्ति को लेकर चला गया था, लेकिन बाद में जब मन फिराया तो उस पिता ने उसे थाम लिया। आज हमारे जीवन में भी ये इसी बात की कमी है। यदि हम किसी भी परिस्थिति में हैं, यदि आज हम मन फिराने के लिए तैयार हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आने को तैयार हैं, तो वो आपको गले लगाने के लिए तैयार है। अपनी बाहें खोल कर वो आपको बुलाता है ताकि आप उसके प्रेम को, उसके बलिदान के द्वारा जो उसने पवित्रता हमें दी है, जो चंगाई हमें दी है, जो सामर्थ्य दी है, उसे पाएं। यदि आपके जीवन में आशा रहित परिस्थिति है, आप सोचते हैं कि अब कुछ भी नहीं बचा जीवन में, कुछ भी नहीं, तो आप अय्यूब को स्मरण करें। अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था तब परमेश्वर ने उसको इतनी आशीष दी कि जितना उसके पास पहले था उससे कई गुना ज़्यादा उसके पास हुआ। हमारा जो परमेश्वर है वो सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है, सब कुछ पहले जैसा करने वाला परमेश्वर है। हमें बस यही चाहिए जैसा कि याकूब उसके पहले अध्याय की चौथी आयत में लिखा है, लेट पेशेंस हैव इट्स परफेक्ट वर्क, धीरज को अपना पूरा काम करने दें। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में धीरज को पूरा काम करने दें और ताकि हम सिद्ध बन जाएं और परमेश्वर की वो आशीषों को पाएं जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें वायदा किया है और जो हमें दिया है। अंत में मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगा, परस्यू अ विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफस्टाइल, एक जयवंत मसीह जीवन को धारण करें और उस जयवंत मसीह जीवन को धारण करने के लिए आपको अपने आप से तीन बातों के लिए समर्पण करना है। सबसे पहला कि आप एक अच्छे चरित्र को बनाए रखेंगे, दूसरा कि आप निरंतर बाइबल अध्ययन करेंगे और तीसरा कि आप अच्छी प्रार्थना करते रहेंगे। यदि आप अपने जीवन में इन तीन विषयों में ईमानदार हैं तो इस बात को आप निश्चय जानिए कि जय आपकी ही है। वी हैव विक्ट्री इन क्राइस्ट जीसस और एंड यू हैव विक्ट्री इन क्राइस्ट जीसस। प्रभु यीशु मसीह में हमारे पास जयवंत जीवन है और प्रभु यीशु मसीह में आपके पास भी जयवंत जीवन है। इन बातों के द्वारा, इन परमेश्वर के वचन संदेश द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करें। मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद कहता हूँ। आप अब तक ऑनलाइन बने रहें, आगे भी बने रहें और परमेश्वर के जो अन्य दास लोग आने वाले हैं उन्हें भी सुनें ताकि आपका जीवन मजबूत हो जाए और आप एक जयवंत मसीही जीवन जीने पाएं। धन्यवाद। आप सबों को जय मसीह की। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहती हूं और डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस का जिन्होंने मुझे बर्निंग लैम्प्स यूथ डे का हिस्सा बनाया। मनुष्य चार अवस्थाओं में अपने जीवन को व्यतीत करता है, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था व वृद्धावस्था। युवावस्था सभी अवस्थाओं में सबसे ज्यादा संवेदनशील व महत्वपूर्ण अवस्था है क्योंकि वे किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं। दे आर द बैकबोन ऑफ एनी कंट्री। यूथ इज द स्टेज ऑफ इनोवेशन एंड विजन। दे हैव द मसल टू ट्रांसफॉर्म द नेशन इनटू अ बेटर एंड हेल्दी प्लेस। दे आर द वॉरियर्स। वो किसी भी देश के योद्धा से कम नहीं होते। दे आर द असेट। वो धरोहर होते हैं। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द नेशन and they are the real treasure and indeed the future of any country. किसी भी देश का भविष्य उसके देश में पाए जाने वाले युवाओं पर निर्भर करता है। हमारा देश भारत भी एक युवा देश है क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में 65% 35 वर्ष से
कम आयु के लोग हैं और जो कि लगभग 70 करोड़ के लगभग हैं। क्यों ये युवावस्था इतनी महत्वपूर्ण है? इस युवावस्था में क्योंकि ये अवस्था बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अवस्था की बहुत सी समस्याएं हैं, चैलेंजेस हैं, और सबसे बड़ा जो चैलेंज जो किसी भी देश के युवाओं के बीच में देखने को मिलता है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। आज पूरे विश्व में COVID-19 की वजह से जो बेरोजगारी की दर है वो लगभग दुगुनी हो चुकी है, क्योंकि हर छोटे बड़े व्यवसाय ठप हो चुके हैं और प्राइवेट फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, प्राइवेट जॉब्स से लोगों को निकाला जा चुका है। और इस हालात में हमारे युवाओं के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरा, हमारे युवा जो हैं एक पीयर प्रेशर से होकर के गुजरते हैं। पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस अपने बच्चों से बहुत ज्यादा होते हैं और इन एक्सपेक्टेशंस की वजह से, इन उम्मीदों की वजह से हमारे युवा जो है हमेशा दे आर अंडर प्रेशर। उनको हमेशा एक भय सताता है कि क्या होगा यदि वो सफल नहीं हो पाएंगे, और असफलता उनके जीवन की एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। इसी तरह से बहुत से युवा अपने बॉडी के इश्यूज को लेकर के जो है वो उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। जैसे बहुत से युवा जो है वो ओबेसिटी के जो है इश्यूज को लेकर के हीन भावना से ग्रसित हैं, अपने शरीर के रंग को लेकर के परेशान रहते हैं, और ये उनके जीवन की सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। इसी प्रकार से स्कूल जाने वाले बच्चे, कॉलेज जाने वाले हमारे बच्चे जो हैं कई बार ऐसे हालातों से होके गुजरते हैं जहां पर जो है शूटिंग, स्टैबिंग, फाइटिंग और अन्य प्रकार के हिंसा से होकर के वे गुजरते हैं। पिछले 10 वर्षों में पूरे देश में हमारे आंकड़े बताते हैं कि करीब 300 के लगभग जो है बच्चे इससे आहत हो चुके हैं और अपनी जान गंवा चुके हैं। ये भी एक हमारे युवाओं के सामने एक बड़ी चैलेंज और चुनौती है। प्रेशर ऑफ मटेरियलिज्म, भौतिकता का दबाव, हमारे यंग जो जनरेशन है, यंग पीपल मेजर सक्सेस एंड हैप्पीनेस हाउ मच स्टफ दे हैव, और वो स्टफ, वो भौतिकता, इट लीड्स टू डिससैटिस्फैक्शन, जो उनमें असंतोष को जन्म देता है। यदि उनके पास मटेरियलिस्टिक थिंग्स नहीं है तो उनमें एक असंतोष की भावना व्याप्त हो जाती है, और जिसके वजह से उनके जीवन में वो एक बड़ी समस्या का रूप ले लेती है। इसके अलावा बहुत से परिवारों में जो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, माता पिता के बीच में लड़ाई झगड़े, मतभेद, अशांति, ये हमारे बढ़ते हुए युवाओं के बीच में एक चुनौती से कम नहीं होता है। और ये सारे प्रेशर जो एक बढ़ते हुए 13 से जो है 35 वर्ष की आयु के बीच के लोग झेलते हैं और इसमें बने रहते हैं, तो ये सभी प्रेशर जो है वो डिप्रेशन या अवसाद को जन्म देते हैं। हमारे देश में करीब 13% लोग जो हैं दे आर अंडर प्रेशर। आज मैं आपको इस अवसाद या डिप्रेशन के बारे में कुछ बताना चाहूंगी कि किस प्रकार से हम डिप्रेशन के बारे में जान सकते हैं, उसके लक्षण को पहचान सकते हैं और उसके कारण व निदान क्या हो सकते हैं, किस तरह से हम इसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं, ये मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगी। डिप्रेशन जो है ये एक बीमारी है, ये एक अवसाद है, जहां पर व्यक्ति जो है निरंतर निर्बल और अपने को असहाय महसूस करता है। इट इज अ सैडनेस, फीलिंग डाउन एंड हैविंग लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर इन डेली एक्टिविटीज, एंड व्हेन इट पर्सिस्ट्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड द इश्यू मे बिकम डिप्रेशन।
डिप्रेशन इज द मेन कॉज ऑफ डिसेबिलिटी वर्ल्ड वाइड। ये जो है हमारे युवाओं में असमर्थता या अक्षमता को जन्म देने वाले अवसाद है। डिप्रेशन इज अ मूड डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व्स अ परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस। इस अवस्था में व्यक्ति जो है वो दुख की स्थिति में बना रहता है। ये एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें व्यक्ति का मूड बदलता रहता है। मूड में होने वाले ये बदलाव सामान्य की श्रेणी में नहीं आते। इस डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्ति महीनों तक अवसाद में रह सकता है या फिर लंबे समय तक एंजाइटी की स्थिति से गुजर सकता है, तनाव से होकर के गुजरता है। और किस तरह से हम पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति विशेष जो है डिप्रेशन का शिकार है? जब कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातों को लेकर के क्रोधित होने लगता है, गुस्से में रहने लगता है, एंगर इश्यूज उसमें डेवलप होने लगते हैं, ये सबसे पहला जो है लक्षण होता है कि वो व्यक्ति विशेष जो है डिप्रेशन या अवसाद से होकर ही गुजर रहा है। दूसरा, उसमें हम मेमोरी लॉस देखते हैं, चीजों को भूलने लगता है वो व्यक्ति। ही इज अनएबल टू डू हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने जिम्मेदारियों को निभा नहीं पाता। एंड ही फील्स फ्रीक्वेंटली टायर्ड, बहुत जल्दी थकान महसूस करने लगता है, अक्सर सिर दर्द की शिकायत करता है और इनसोम्निया का शिकार हो जाता है, नींद ना आने की तकलीफ से गुजरता है और जिससे उसका पूरा शरीर, उसका मन, मस्तिष्क जो है उससे आघात उसको पहुंचता है। और इसी तरह से लॉस ऑफ एपिटाइट या ओवर ईटिंग, भोजन ज्यादा करना या भोजन कम करना शुरू कर देता है, अपने शरीर में पेन्स का जो है वो शिकायत करता है और कभी कभी कॉन्स्टेंट इल फीलिंग या गिल्ट फीलिंग या अपराध बोध का से जकड़ जाता है, उसको अपराध बोध का जो है वो अनुभव करने लगता है। अपने को इस तरह की परिस्थिति में वो अपने को अलग थलग महसूस करने लगता है और अकेले में रहना पसंद करता है, आशा विहीन हो जाता है, उसके पास कोई उसे आशा नजर नहीं आती, छोटी छोटी बातों में जो है वो रोने लगता है, दुखी हो जाता है और जो रोजमर्रा के जो कार्य हैं उसमें वो दिलचस्पी नहीं लेता। स्कूल जाने से एक बच्चा अपने को जो है रोकने लगता है और अपने पढ़ाई में भी उसका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं होता। तो ये सारी स्थिति जो है हमें बताती है कि वो व्यक्ति विशेष डिप्रेशन का या अवसाद का शिकार हो रहा है। तो ये इसके लक्षण या हमने अभी देखे, लेकिन किस कारण से एक व्यक्ति अवसाद से ग्रसित हो जाता है? सबसे पहले हो सकता है कि वो व्यक्ति अपने बाल्यावस्था में उसके साथ कोई ऐसी क्षति या ऐसा कोई उसको आघात पहुंचा हो जिसकी वजह से उसके अंदर वो चाइल्डहुड ट्रॉमा निरंतर बना हुआ होता है और जिसकी वजह से वो इस अवसाद की परिस्थिति में जो है वो प्रवेश कर जाता है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है कोई असाध्य रोग से जो है जकड़ा हुआ हो, कोई क्रोनिक इलनेस उसको हो, कोई पुराना रोग हो जिसकी वजह से वो जो है इस ट्रॉमा से होकर के गुजरता है और डिप्रेशन में चला जाता है। कभी कभी गलत संगति में पड़ने के बाद हमारे युवा गलत जो है चीजों का शिकार हो जाते हैं, नशीले पदार्थ के आदि हो जाते हैं, शराब का सेवन करने लगते हैं और ये एडिक्ट्स हो जाते हैं। और कई बार जवानी की अवस्था में डिवोर्स जो है एक बहुत बड़ा कारण होता है, प्रेम संबंधों में अलगाव एक बहुत बड़ा कारण होता है किसी भी व्यक्ति को अवसाद से ग्रसित होने में। नौकरियों का छूट जाना, नौकरी का चला जाना फाइनेंशियल क्राइसिस को जन्म देता है, आर्थिक संकट को पैदा करता है, उसकी वजह से भी जो है एक व्यक्ति अवसाद से ग्रसित हो जाता है। तो इस अवसाद से ग्रसित होने के बाद
जब इंसान इस डिप्रेशन में निरंतर बने रहता है तो उसका जो अंत होता है वो उसको आत्महत्या तक प्रेरित करता है, और इसके परिणाम जो कि एक व्यक्ति को आत्महत्या को प्रेरित करने होता है करता है वो बहुत ही भयावह होता है। इससे जो है व्यक्ति अपने को जो है इंजरी या अपने को आघात करने की कोशिश करता है, उसका रुख जो है काफी रूखा और तीखा हो जाता है, उसमें रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम आने लगती हैं, रातों में उसको नींद नहीं आती है, और अंत में वो यही सोचता है कि अब मेरे जीवन में कुछ नहीं शेष रहा, अब मुझे मेरा मरना ही मेरे लिए उचित होगा। और यही जो है हम जो परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय आयत में कि चोर और किसी काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। यदि हमारे अंदर ऐसे कोई विचार आ रहे हैं कि अब मुझे और नहीं जीना, मुझे अब अपने जो है जीवन का अंत करना है, तो मेरे प्रियो ये विचार शैतान की ओर से लाए जाने वाला विचार है, क्योंकि शैतान हमेशा नष्ट करने और घात करने को आता है। हम बाइबल से बहुत से ऐसे चरित्र हैं, उनके विषय में हम जानते हैं, और आप सब जानते होंगे अय्यूब के बारे में। अय्यूब ही वॉज अ विल्दी मैन हु फेथफुली वर्शिप द ट्रू गॉड, जो परमेश्वर सच्चे परमेश्वर का आराधना करने वाला व्यक्ति था, और उसके जीवन के बारे में हम जानते हैं कि वो कितना धनवान था। उसके पास जो है 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां, बहुत से दास दासियां, और उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूरे पूर्वी देशों के लोगों में वो सबसे बड़ा था। तो परमेश्वर ने उसको हर एक आशीषों से नवाजा था, लेकिन अचानक जो है जब शैतान ने उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट कर दी, तब भी अय्यूब को हम देखते हैं कि उसने अय्यूब के अध्याय 1:21 में हम पाते हैं कि अय्यूब कह रहा है कि यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही लिया, यहोवा का नाम धन्य है। तो अय्यूब जो है परमेश्वर पे भरोसा करने वाला व्यक्ति था। उसी तरह से जब उसके 7 पुत्र और 3 पुत्रियां जब कोई जश्न मना रहे थे और अचानक जो है बड़ा जो है आंधी तूफान आए और वो 10 के 10 जो है उनकी मृत्यु हो गई, उस परिस्थिति में उसकी पत्नी ने उससे कहा कि अपने परमेश्वर को जो है की निंदा कर और मर जा, लेकिन अय्यूब ने उस परिस्थिति में भी अपनी पत्नी से यही कहा कि क्या जो परमेश्वर हमें सुख देता है हम दुख के भागीदार ना हो। अय्यूब ने कभी भी परमेश्वर की निंदा नहीं की, हमेशा उसने जो है परमेश्वर पे अपना भरोसा बना के रखा। तो मेरे प्रियो, हमें अय्यूब की तरह हमारे जीवन में कोई भी परिस्थितियां हो, प्रतिकूल परिस्थितियां हो, पर अय्यूब की तरह अपना भरोसा परमेश्वर पे हमेशा बना के रखना है। हमेशा हमारी सोच जो है सकारात्मक सोच बना के रखनी है। बहुत से ऐसे जो है उदाहरण हम इस संसार में देखते हैं, जैसे कई विद्यार्थी होंगे जो इन वचनों को सुन रहे होंगे, वो अपने जीवन में असफलताओं की वजह से निराश होंगे, लेकिन मेरे प्रियो, हमेशा जो है परमेश्वर पे भरोसा बना के चलिए। अल्बर्ट आइंस्टीन जो कि अपने स्कूली जीवन में बहुत अच्छा विद्यार्थी नहीं थे, लेकिन उनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला, और आज जो हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, लॉज ऑफ रिलेटिविटी को सब जानते हैं, और उसको पढ़े बिना फिजिक्स जो है वो अधूरी है। इसी तरह से बेंजामिन फ्रैंकलिन जिन्होंने बिजली की खोज की, वो भी अपने स्कूल के ड्रॉप आउट्स में से थे, लेकिन उन्होंने बिजली की खोज की जिससे आज पूरा विश्व रोशन है। मार्क जुकरबर्ग, हर हाथ पे फेसबुक है आज, फेसबुक के जो है संचालक मार्क जुकरबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, ये सारे अपने स्कूली जीवन में
जो है असफल रहे, लेकिन आज पूरा विश्व उनके नाम को जानता है और उनके उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और हम जो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, हमारे लिए परमेश्वर, जर्मयाह में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने जो तुम्हारे लिए योजनाएं बनाई है वो हानि की नहीं लेकिन लाभ की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर ने हमें जो है व्यवस्था विवरण ने हमसे कहता है कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप तुम्हारे आगे रखे हैं, और तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश जीवित रहे। परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा यह भी दी कि तू हत्या ना करना। जब उसने ये कहा कि तू हत्या ना करना, तो हम अपने आप की हत्या, जिसे हम आत्महत्या कहते हैं, कैसे सोच सकते हैं कि हम आत्महत्या करने के लिए जो है जाए। ये शैतान का काम है और ये एक पाप है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर पे भरोसा बना के रखें, जिस तरह से अय्यूब ने परमेश्वर पे भरोसा बना के रखा। इसी तरह से हम देखते हैं यूसुफ के बारे में, जो याकूब के बेटों में याकूब का सबसे प्रिय पुत्र था। उसके भाई बहन उससे बहुत ईर्ष्या रखते थे, बहुत उससे जलन रखते थे, क्योंकि याकूब ने जो है उसके प्रिय पुत्र यूसुफ को एक अंगरखा दिया, रंग बिरंगा अंगरखा, और इसी जलन की वजह से उसके भाई बहनों ने उसको जो है मारने की सोची, लेकिन अंत में उन्होंने उसको इस्माइलियों के हाथों बेच दिया। हो सकता है हमारे कार्य क्षेत्र में या हमारे घर में हमसे लोग ईर्ष्या रखते हो, हमें जो है मारने की कोशिश करते हो, हमें अलग कर देना चाहते हो, हमें आहत करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जिस तरह से यूसुफ परमेश्वर के साथ चलता रहा, और हम देखते हैं कि किस तरह से वो मिस्र देश में उसको बेच दिया गया, और मिस्र देश में उसके सम्मुख बहुत सी परीक्षाएं आईं, बहुत से इल्जामात उस पे लगाए गए, लेकिन अंत में वो जो है नेक्स्ट टू फैरो जो है उसको बनाया गया, मिस्र देश का प्राइम मिनिस्टर उसे बनाया गया, और अंत में उसके भाइयों की मददगार वही साबित हुआ। जब उस देश में अकाल पड़ा, तब उसके भाई उसके ही साथ सामने आए और उसने अपने भाइयों की मदद की। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो तो जो चाहो मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तो यदि हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो परमेश्वर हमारी हर एक इच्छाओं को पूरा करने में विश्वासियों के परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो हर एक परीक्षाओं से जो है बचे रहते हैं, और जब हम परीक्षाओं में जब पढ़ते हैं तो यही परीक्षाएं हमें जो है अपने को आघात पहुंचाने तक ले जाता है, हमें डिप्रेशन को लेकर के आता है। इसी तरह से हम नए नियम में देखते हैं कि कभी कभी हमारे जीवन में जो गिल्ट्स हैं, अपराध बोध की जो भावना है, जो हमें दोषी करार देती हैं हमारे पूर्व में किए हुए पापों की वजह से, वो भी हमें डिप्रेशन तक ले जाती हैं। जैसे हम देखते हैं शिमोन पत्रस और यहूदा इस्करियोती में कुछ समानताएं देखने को मिलती हैं। यहूदा इस्करियोती ने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया, शिमोन पत्रस ने भी यीशु मसीह का इनकार किया, लेकिन दोनों में फर्क इस चीज का है कि शिमोन पत्रस बाद में जो है पछताया और यीशु मसीह के अन्य चेलों के साथ मिलकर के आगे को अपने फेथ की वजह से पूरे अपने जीवन पर्यंत जो है मृत्यु तक परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य रहा और उसकी सेवा करता रहा। लेकिन वही यहूदा इस्करियोती पछताया लेकिन प्रभु के पास नहीं आया, और उसने अंततः अपने जो है आत्महत्या कर ली और अपने जीवन का अंत कर लिया। हो सकता है हमारे जीवन में ऐसे जो है अपराध बोध या कुछ गिल्ट हमारे अंदर हो, जिससे कि हमें ऐसा लगता है कि मैंने ये पाप किया है, मैं जो हूँ एक कल्प्रिट हूँ, मैंने ये क्राइम किया है। लेकिन मेरे प्रियो,
प्रभु यीशु मसीह के पास आई है। प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारे पाप लाल रंग के भी हों, वो भी हिम किनारे श्वेत हो जाएंगे। प्रभु के लहू से अपने पापों के लिए क्षमा याचना करें और प्रभु यीशु जो विश्वास योग्य हैं, हमारे लाल रंग के पापों को भी जो है वो श्वेत करने में सामर्थ्य प्रभु है और हमें नया जीवन देने में सामर्थ्य परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन हमें कहते हैं कि यदि हम ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, यदि हम इस अवसाद की परिस्थिति में हैं, तो प्रभु कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में ही सिद्ध होती है। तो मेरे प्रियो, जब हम निर्बल हैं, तभी परमेश्वर की सामर्थ जो है हम में प्रबलता से कार्य करती है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहने वाला परमेश्वर है, वो पिसे हुओं का उद्धार करने वाला प्रभु है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वो कभी धर्मी को टलने नहीं देगा। और सबसे पहली बात जो हम सभोपदेशक में पढ़ते हैं कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, रिमेम्बर ऑल्सो योर क्रिएटर इन द डेज ऑफ योर यूथ। यदि हम अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रखें, उस पे विश्वास करें, उसके साथ साथ चलें और उस पर हमेशा भरोसा करके अपने जीवन को निरंतर आगे बढ़ाएं, तो मेरे ख्याल से कभी भी हम भले ही विषम परिस्थितियों में हों, लेकिन कभी हम अपने जीवन का अंत करने के नहीं सोच सकते। इसी तरह से यदि हमारे बीच यदि कोई व्यक्ति ऐसा हो जो इस अवसाद से होकर ही गुजर रहा है, तो उसके बहुत से ऐसे रेमेडीज हैं, बहुत से सॉल्यूशंस हैं, और उसमें सबसे पहले रेमेडी ये है कि यदि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि यू आर अंडर डिप्रेशन, तो सबसे पहले एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए। हो सकता है आपके पेरेंट्स के सामने अपने दिल को खोल के आप बात करिए, अपने टीचर्स के यदि आप करीब हैं अपने टीचर्स से बात करिए, अपने फ्रेंड से बात करिए, जो भी आपका क्लोज है, हो सकता है आपका भाई या बहन, हो सकते हैं कोई पास्टर हो, उनसे अपने दिल की बात खोल करके कहिए। इसी तरह से दूसरी बात, यदि आपको ऐसा लगता है कि आप इस बीमारी से ग्रसित हैं, तो गेट प्रोफेशनल हेल्प, किसी साइकाइट्रिस्ट को अपने को दिखाइए और साइकाइट्रिस्ट जो है वो आपकी काउंसलिंग करेंगे, आपका इलाज करेंगे। ऐसे कार्य करिए जो आपको खुशी देते हो, स्पोर्ट्स में प्रतिभाग करिए, कुछ अपने हॉबीज को करिए, गार्डनिंग करिए, कुकिंग करिए, सबके बीच में रहने की कोशिश करिए और टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य की अच्छी केयर करिए, एक्सरसाइज करिए जिससे आपको खुशी मिलती है। और सबसे बढ़कर रिमेम्बर दैट गॉड केयर्स, परमेश्वर को आपकी चिंता है। मेडिटेट ऑन द होप विच बाइबल गिव्स और परमेश्वर के साथ अपने क्लोज रिलेशनशिप को बना के रखिए और हमेशा पॉजिटिव बने रहिए और अपना दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक बना के रखिए, हमेशा पॉजिटिव चीज सोचिए और सबसे बढ़कर परमेश्वर के वचनों को अपने मुंह से अंगीकार करिए कि परमेश्वर ने मेरे लिए एक भविष्य ठहराया है, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, भले ही माता पिता मुझे छोड़ दें, लेकिन परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा एक सा रहने वाला परमेश्वर है, आज कल और युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर, और कभी हमारे पापों को स्मरण नहीं करता। जब हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं तो हमारे पापों को वो अपने पीठ के पीछे फेंक देने वाला परमेश्वर है। मनुष्य हमारे गलतियों को बार बार याद दिला सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है वो कभी हमारी गलतियों को कभी हमें याद नहीं दिलाता, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं प्रभु, धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय के लिए पिताजी। हाँ पिता, हम प्रार्थना करते हैं हर एक वो व्यक्ति के लिए जो इस समय आपके वचनों को जिन्होंने सुना है,
प्रभु जी, हो सकता है बहुत से ऐसे लोग हों जो ऐसे अवसाद से होकर के गुजर रहे हों, जो अपने को इस संसार में अकेला जान रहे हों, जो अपने को त्यागा हुआ महसूस कर रहे हों, जो अपने को असफल महसूस कर रहे हों, जो इस डिप्रेशन से के शिकार हों। पिता परमेश्वर, आपसे हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इस वक्त तेरी आत्मा उनके जीवनों में कार्य करे मेरे प्यारे पिता। हाँ प्रभु जी, क्योंकि तू सच्चा परमेश्वर हमारे साथ हमेशा बना रहने वाला प्रभु है, हमेशा हमें जो है उज्जवल भविष्य देने वाला परमेश्वर है, हमारी चिंता करने वाला प्रभु है, हमें हमेशा हाथ पकड़ के चलाने वाला परमेश्वर है। जब भी हम पुकारते हैं प्रभु, हमारे दुहाई जो है तेरे कानों तक पड़ने वाली दुहाई है। तू अपने कान को नीचे झुका करके हमारी प्रार्थना को सुन करके उनका उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हम आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं प्रभु, और ऐसे हर एक व्यक्ति को तेरे चरणों में लाते हैं। हर एक को तू प्रभु जी इस अवसाद से उबार पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, तू उन्हें दूसरों के लिए आशीष का कारण बना मेरे प्यारे पिता, उन्हें अपने विश्वास से मजबूत बना मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, और आने वाले समय में अपने नाम के निमित्त उन्हें इस्तेमाल कर। धन्यवाद देते हैं पिताजी, तूने हमारी प्रार्थना को सुना। इस विनती को हम मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। थैंक यू।